पिक्सल ओएस का ये न्यू अपडेट आया हुआ है पोको F1 के लिए, और इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। बाकी बैटरी, गेमिंग या फिर स्कोर, जो एंटूटू स्कोर, गीकवेंच स्कोर, ये सब में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा उनके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पिक्सल ओएस का एंड्रॉइड 13 बिल्ड है, फरवरी 2023 का। सिक्योरिटी पैच बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाता है। कर्नल यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, कर्नल जो पिछले में था वही सेम आपको मिल जाता है। और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हॉटस्पॉट में आप जाओगे तब यहाँ पे जो है आपको जो टर्न ऑफ वाईफाई का जो पहले टॉगल मिला करता था, अब टाइम आउट काफ़ी सारे मिल जाते हैं 1 आवर तक का। बाकी हिडन नेटवर्क और साथ साथ कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए भी यहाँ पे अब आपको मिलने वाला, जो कि ये चीज़ें पहले हमें नहीं मिलती थी। और यहीं पे अब नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर ऐड कर दिया गया है। हालांकि अब यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर स्टेटस बार पे शो नहीं करेगा, क्विक सेटिंग्स पे शो करने वाला है। यानी कि स्क्रॉल डाउन इस तरीके से करोगे तो क्विक सेटिंग्स पे अब यहाँ पे आपका जो है ये शो कर रहा है, स्क्रॉल करने के बाद क्विक पैनल को, जो कि स्टेटस बार पे पहले शो करता था, आइकन मैनेजर के अंदर था, वहीं पे अब आपको यहीं पे अब जो है अब आपको देखने को मिलेगा शो डाटा यूजर्स भी, जो डिस्प्ले के अंदर पहले मिला करता था, अब यहीं पर मूव कर दिया गया इन दोनों को, तो अब यहाँ पर आपको मिलेंगे। वहीं कनेक्टेड डिवाइसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है अभी भी आपका ये। और ऐप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी वैसे आपका जो ओके गूगल है काम कर रहा है, और लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर ही हमें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर प्रीइंस्टॉल देखने को मिलता है। एंड नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं। बैटरी की अगर बात करें तो थर्मल में कोई चेंज नहीं है। बैटरी यूजर्स का ग्राफ जो है सेम पिक्सल वाला ही मिलता है, थोड़ा लेट बैटरी यूजर्स देखने को मिलता है, शो करता है। बाकी सेटिंग में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में भी 87 था। यानी कि बैटरी पिछले अपडेट जैसे ही रहने वाली, बैटरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर आपको मिलता है, हालांकि वाइब्रेशन एंड हैप्टिक हमारा सेम है। बट यहाँ पे नीचे आओगे एडिशनल सेटिंग में तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट साउंड का ऑप्शन न्यू ऐड किया गया इसके अंदर में, और यहाँ पे जो डॉल्बी था रिमूव कर दिया गया है। MI साउंड एनहांसर सेम रहेगा, बाकी डॉल्बी एटमॉस जैसे कि बताया रिमूव हो गया है। डिस्प्ले के अंदर लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पे QR स्कैनर ऐड कर दिया गया है, अब आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट ये भी न्यू देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है, और आपको यहाँ पे इस वाले लॉक स्क्रीन में कुछ चेंज नहीं मिलता। और फिर बाहर आते हो तो यहाँ पे आइकन मैनेजर है, यहीं पे पहले रियल टाइम वाला आपको जो है नेटवर्क ट्रैफिक मिलता था, जो अब वहाँ मूव हो चुका है। एंड नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जो कि आपका मिलता है, और अगर बात करें रोटेशन की तो सेम है, और यहीं पे जो है डाटा यूजर्स था जो कि उसी के साथ अब वहाँ पे मूव हो चुका है। वॉलपेपर स्टाइल में आपको वॉलपेपर तो ऐसे जो यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, बट चेंज कोई भी नहीं है। एंड सिक्योरिटी के अंदर भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। रोम इनक्रिप्टेड ही बाय डिफॉल्ट आता है, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूं, और सेटिंग में कोई चेंज नहीं है। फिंगरप्रिंट पहले जैसा ही बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, इसमें भी कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्मूथ रहता है। फेस अनलॉक, आईआर फेस अनलॉक के जैसे कि, तो उसमें भी कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती है। और फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम इसके सिस्टम की तरफ। तो इसके अंदर भी लैंग्वेज में, ऐप लैंग्वेज में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़े ऐड हुए हैं, एक दो एप्लीकेशन और आप देखने को मिलेंगे। एंड जेस्चर के अंदर जाते हो तो यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर इमर्सिव नेविगेशन अब आपको मिलता है यहाँ पे, जिससे पिल हाइड हो जाएगा नेविगेशन बार पैडिंग। बाकी नीचे पहले जेस्चर बार के ऑप्शन पर मिला करता था, अभी कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे फिलहाल कोई चेंज नहीं, लेकिन बाहर में थोड़ा ज़रूर चेंज हुआ। स्क्रीनशॉट आपका पहले जैसा रहेगा, बट यहाँ पे न्यू की अगर बात करें तो प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन आपको न्यू देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। और फिर बाहर देखोगे तो बाहर सब कुछ आपका वही पहले जैसा ही मिलता है, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड एनिमेशन में थोड़ा सा लैग, पिछले अपडेट में बताया था कि थोड़ा सा लैग बढ़ा है, और इसमें भी पिछले अपडेट जैसा ही लैग मिलता है, यानी कि थोड़ा सा जो लैग पहले कर रहा था वही अभी भी करता है यहाँ पर लैग। स्क्रॉल जब करते हो मेन, वो आप तो फील उस टाइम पे होगा जब हम स्क्रॉल करते हो, उस टाइम पे थोड़ा सा एनिमेशन जो है स्मूथ की जगह थोड़ा थोड़ा लैग के साथ में जो है स्क्रॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। मेन स्क्रॉलिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ फील होगा यहाँ पे, तो ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पिछले में भी आपको बताया था, पिछले से ही जो है एनिमेशन थोड़ा सा लैग जो है बढ़ा था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग सेम आती है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको जो है हालांकि लैग इससे नहीं होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद लैग नहीं होता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद भी आपका जैसे नॉर्मल जैसे पहले था थोड़ा लैग वही रहता है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई भी लैग और नहीं बढ़ेगा, ये जो है आपका सेम है। बाकी वॉल्यूम पैनल सेम है, वॉल्यूम पैनल में कोई चेंज नहीं है। और ऐप ओपनिंग एनिमेशन की अगर बात करें तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ओपन हो रहे हैं और स्मूथ ओपन हो जा रहे हैं इनमें, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। मेन स्क्रॉलिंग के टाइम पर एनिमेशन लैग जो है वो आपको उस टाइम पर देखने ज़्यादा मिलता है। और कैमरा यहाँ पे अपर्चर का ही मिलता है, इसके अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा जैसा पहले था उसी तरीके से है। गूगल कैमरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप हो सके तो यहाँ पे लेटेस्ट की जगह थोड़ा सा ओल्ड वाला यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और
फिर यहीं पे हमारा वाइड वाइन L1, अगर DRM इन्फो की बात करें तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, इसको लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बाहर में चलते हैं तो यहाँ पे आपको FM मिलता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, वैसे गूगल फोटो के अंदर में अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, तो इसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। और प्ले स्टोर की अगर बात करते हैं तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही आता है, तो इसको लेकर के भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकिंग ऐप विदाउट रूट आप आराम से यूज़ कर पाओगे, रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैंकिंग ऐप अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पे रीसेंट पे वॉल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें कॉलिंग के बारे में तो वोल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग है, कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट करता है बट वर्किंग रहेगा, और ब्लूटूथ डिवाइस ईयरबड्स अगर यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड टू स्कोर 440,616 है और पिछले अपडेट में भी 440,000 ही देखने को हमें मिला था। CPU थ्रोट रेट में यहाँ पे 92% मैक परफॉर्मेंस मिली है, पिछले में 91 था, यानी कि ये भी हमारा सेम पहले जैसा है। गीगबेंच स्कोर में यहाँ पे इस अपडेट में सिंगल में 563 है और मल्टी के अंदर 2089 मिला था, पिछले में सिंगल 507 था और मल्टी के अंदर 2104 तक जो है देखने को मिला था। हालांकि यहाँ पे गेम्स पे अभी भी हमें नहीं मिलता इसके अंदर, बाकी ग्राफिक भी सेम ही रहेगा, ग्राफिक में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ग्राफिक जैसे गेम का पहले था उसी तरीके से मिलेगा। स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे ही मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। और गेमिंग की बात करो तो गेमिंग पहले भी आपको बताया था ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलती है, बिल्कुल तगड़ी मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलती है अभी भी आपको उसी तरीके से मिलने वाली तरीके से बैलेंस के करीब ही जो है आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाती है, ज़्यादा तगड़ी भी नहीं रहने वाली। और एनिमेशन में जैसे कि बताया थोड़ा लैग करता है, बिल्कुल स्मूथ भी आपको यहाँ पे ये रोम नहीं मिलने वाला, खास करिए पिछले अपडेट से ही हुआ था जो कि आपको बताया था पिछले अपडेट में, वही अभी भी ये चीज़ देखने को मिलता है। मेन स्क्रोलिंग के टाइम पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ फील होगा यहाँ पे, एनिमेशन जो लैग है स्क्रोलिंग के टाइम पर, जब स्क्रोल करते हो उस टाइम पर आपको ये फील थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर इस अपडेट में फिलहाल, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।